यखी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशरफ खान। यौम आशुरा के ज़िमन में अलहाज सलीम सेठ सौदागर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लंगर का इनेकाद अमल में आ रहा है। आज नांदेड़ शहर के मदीना मस्जिद मस्जिद कच्चियान में लंगर का अहतमाम किया गया। सलीम सेठ सौदागर नांदेड़ के मशहूर ताजिर और समाजी वर्कर है। वो अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ तरीके से समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। मौसम गर्मा में वो ठंडे पानी का नज्म कर जल रतन के एजाज से नवाजे गए। माह रमज़ान में इनके मकान और दुकान पर अतियात सदकात चंदे के लिए हुजूम जमा हो जाता है। बकरीद में भी वो गरीबों मस्किनों का ख्याल रखते हैं और माह मुर्रम में आशुरे की दिन अब उन्होंने लंगर का नज्म किया है। मस्जिद कच्चियान मदीना मस्जिद में आज बाद नमाज जुमा लंगर रखा था और ये लंगर आइंदा चंद यौम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्कद होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान मेरे भाइयों, आज मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रम शरीफ, जिसमें अल्लाह ताला खुद बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला फरमाया अपने महबूब के ज़रिए कि ऐ मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह खुद महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये अल्लाह अल्लाह के महबूब की शान अजमत को बयान किया गया है 10 मुहर्रम शरीफ में। मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत नौश फरमाए, जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज सजदे में आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम के लिए शहादत नौश फरमाए। मेरे मुसलमान भाइयों, आज 10 मुहर्रम का एहतराम करो। आगे भी 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख कंटिन्यू यहाँ से 4 दिन हम हर जगह, जैसे आज मदीना मस्जिद में 10 मुहर्रम शरीफ मनाए, वैसा 11, 12, 13, 14 जहाँ जहाँ हमको जो जो बस्तियाँ मिलते, जो जो मोहल्ले मिल रहे, जो जो मस्जिदें मिल रहे, हम वहाँ जाके अल्लाह का नाम का लंगर सजा रहे, 10 मुहर्रम शरीफ के मुहर्रम की ख़ास फजीलतों को उजागर करते हुए दीन इस्लाम की तबलीग के लिए निकले हम। अल्लाह से रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक हिदायत के साथ रखे और हमारी हिदायतों से अल्लाह नवाजते हुए ये अमल हमारी औलाद, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल में अल्लाह ताला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।